नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति बुदिया एंड बैक विथ यूट्यूब लाइव। फ्रेंड्स, मार्केट जो है ऑल टाइम हाई की तरफ है। अगर हम देखें तो निफ्टी, सेंसेक्स, इवन बैंक निफ्टी इज नियरिंग ऑल टाइम हाई। और ऐसा लग रहा है कि शायद मंडे को सब गैप अप ओपन हो। एक चीज जो मैंने बहुत बार देखी है, जो अपने कुछ एक्सपीरियंस के साथ में शेयर करना चाहूंगी, गैप अप ओपन हाई एट ऑल टाइम हाई, ये कभी कभी एक तरह से ऑल टाइम हाई बना के चली जाती। मैं ऐसा ये कंफर्म के साथ इसलिए नहीं कह सकती हूँ बिकॉज ये मार्केट है, लेकिन ऐसा मैंने देखा है कि जब तीनों इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे गैप अप ओपन हाई बनाते हैं तो वो एक बहुत ही रिस्की जोन होता है, जहां पे हम प्रिकॉशन तो खैर लेना ही चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि भाई हम 19,000 से सुनते आ रहे हैं करेक्शन 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 ड्यू है और मार्केट बढ़ते ही जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में स्टॉक स्पेसिफिक तो चलते ही है और हम काम तो बंद नहीं कर सकते इस इंतजार में कि मार्केट गिरेगा। तो सबसे पहली बात हम जो करते हैं वो ये है कि क्वांटिटी रिड्यूस कर दो, एकदम नेग्लिजिबल क्वांटिटी कर दो, जिससे क्या है कि अगर मतलब लॉस प्रॉफिट हमें कुछ परेशान ना करे। और दूसरी बात ये है कि ये टाइम एग्रेसिव होने का नहीं है, बिल्कुल शांत पूर्वक ट्रेड करने का है। एक ट्रेड मिले एक सही, दो मिले दो सही, बट क्वांटिटी एकदम कंट्रोल में। मतलब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं पॉकेट मनी निकालने का, अपना खर्चा निकालने का, ना कि वेल्थ क्रिएट करने के लिए। अभी ये मेरा मानना है खास करके, और मेरे जो भी सेशंस होते हैं, मेरी जो भी ये थिंकिंग होती है, इट्स मोर फॉर रिटेल पार्टिसिपेंट्स। क्योंकि बाकी जो बड़े लोग हैं, HNIs है, इंस्टीट्यूशन है, वो सब तो अपनी पोजीशन संभालना जानते हैं। जहां दिक्कतें आती है वो है रिटेल को, और रिटेल का जब पैसा लगता है तो किससे कहने जाए। इसलिए मैं बार बार ये कहती हूँ कि बहुत सोच के अभी ट्रेड लेना चाहिए। अगर बने तो इतना छोटा रिस्क लें कि आप उठा सके और उसमें भी लॉस स्टॉप लॉस लगा के चले। तो जैसा मैंने कहा कि ध्यान रही रखिए कि मंडे अगर गैप अप ओपन हाई हो जाता है, ओपन और ओपन हाई मतलब ओपन और हाई नियर बाय है, तो बहुत ही केयरफुली काम करें। वैसे ही अभी फ्राइडे को भी मार्केट, सॉरी थर्सडे को भी, लॉन्ग वीकेंड होने के वजह से मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा अगर देखा जाए तो एक्टिव नहीं था, ऑलमोस्ट साइडवेज जोन में ही था। लेकिन ऐसे में भी टाटा ग्रुप के शेयर्स भाग गए, न्यूज ड्रिवन थे, कुछ भी थे, हमारे हाथ नहीं आए। कोई बात नहीं, नहीं आए तो, लेकिन इनमें से मैं एक शेयर को कंटिन्यू करना चाहूंगी जो हमने लास्ट टाइम 2 मार्च को किया था। उस सेशन को उसी में मैंने एक टाटा स्टील बताया था, उस टाटा स्टील को मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहूंगी और उसी में मैं आपको बताना चाहूंगी थोड़ा सा कि ये क्या होता है, कैसे होता है, हम क्या करते हैं, क्या देखते हैं। तो मैं उसमें सबसे पहले आपको जो टाटा स्टील का मैंने बताया था, तो लेटर से हम टाटा स्टील पे आते हैं वापस, बिकॉज मैंने लॉन्ग बिल्डअप वगैरह तो सब आपको बता ही दिया था लास्ट टाइम। और ये जो था टाटा स्टील का, ये हमारा, अगर मैं ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन बनाऊंगी, लॉन्ग टर्म मतलब मंथ, मल्टी मंथ जिसको बोलते हैं, जो कि सितंबर अक्टूबर से है, और अगर ये रेजिस्टेंस लेवल में बनाती हूँ तो ये रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है, यहाँ पे आके इसने ब्रेक किया, ये हमारा सेकेंड को हमने डिस्कशन किया था, और उसके बाद जो वापस करेक्शन आता है और फिर लॉन्ग बिल्डअप लेता है, तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मार्केट जब अप ट्रेंड में जनरली होता है तो हम ये टाइप का मूव देखते हैं, राइट? तो कैन आई कॉल दिस एज लॉन्ग बिल्डअप, कैन आई कॉल दिस एज लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग बिल्डअप,
लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग बिल्डअप। मैं स्विंग नहीं बता रही हूँ, मैं मूवमेंट बता रही हूँ। तो अगर हम ये मूवमेंट अप्रोक्सीमेटली 8 to 10% देखते हैं, तो ये मूवमेंट हम रफली अराउंड 4 to 5% देखते हैं, फिर 8 to 10। ऐसा करते करते हम ये मार्केट को इस तरह से अप ट्रेंड का देखते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ से जो मार्केट चला था, जो 155 156 था, अगर मैं इसका 5% पकड़ूं, तो अप्रोक्सीमेटली 7 है 10 है, कुछ भी कहिए, 8 10 रुपीज का आ जाता है। तो इसने लो भी अगर हम देखें तो ये बनाया है अप्रोक्सीमेटली 147, जो कि 8 9 रुपीज 10 रुपीज जो भी आपका होता है, लेकिन है अपने रेंज में। और क्लोज इसने जो किया है वो ट्रेंड लाइन के ऊपर था। अभी ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होने के बाद मुझे जब ये वापस ओपन लो मिलता है, और ये ओपन लो मिलने के साथ में फ्रेंड्स मुझे अगर ऑप्शन चेन में वन फिफ्टी के आसपास अगर हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट मिलता है, तो इट इज नथिंग लाइक दैट। कैन यू सी दैट? बिकॉज मैंने एक बार पहले भी बताया था, फिर से बताती हूँ कि ये हमारा HPOI है, ये HCOI है, और ये सपोर्ट का काम करती है, ये रेजिस्टेंस का। अब यहाँ पे क्या हुआ है, अगर मैं चार्ट देखूं तो चार्ट में इसी चीज ने सपोर्ट का काम किया है, राइट? अब चार्ट में सपोर्ट प्लस ऑप्शन चेन में सपोर्ट, तो दो जगह सपोर्ट का कंफर्मेशन मिल गया मुझे, प्लस मुझे वहीं पे लॉन्ग बिल्डअप भी दिख गया विथ ओपन लो के आसपास। देखिए ओपन एंड लो ऑलमोस्ट सेम है, 152.40 का ओपन है और 152.25 का लो है, तो ओपन और लो भी ऑलमोस्ट सेम है। तो अगेन व्हाट कैन बी माय नेक्स्ट टारगेट? तो व्हाट इज द हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट? इफ आई सी ओवर हियर, द हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट इज 160, मतलब 10 रुपया इज नॉट अ स्मॉल डील। 150 से 160, 10 रुपया। मैं ये नहीं कहूंगी कि 10% चाहिए, 7 8 10% हमारे लिए काफी होता है, और टॉप बॉटम किसी को नहीं मिलता। अगर इसमें से किसी ने भी 2 से 3 रुपया भी निकाल लिया तो बहुत बड़ी बात हो गई, और वो भी मैं कहूंगी ऑप्शन में अगर 1.5 2 रुपया भी निकाल लिया तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लॉट साइज जो है वो छोटी नहीं है, 5,500 की है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? अभी मैंने एक वीडियो रिलीज किया है डेल्टा गामा, डेल्टा वेगा थीटा ग्रीक्स के ऊपर। उसमें क्या हुआ है, मैंने जैसे मान लो आपने 155 का कॉल लिया, अगर बाय करके लेटर से सब अपने ओपन इंटरेस्ट वगैरह सब देख लिया, 150 का सब ओपन है लो है सब है, उसके बेस पे आपने 155 का या 160 का भी कॉल ले लिया, चलो थोड़ा दूर का ले लिया, तो अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग के अंदर ये 1.5 रुपया बढ़ा है। अगर मॉर्निंग के हिसाब से देखोगे तो इसका लो जो है, मैं आपको बता दूं, यहीं से आपको सब कुछ मिल जाएगा, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसका लो था 255, जो कि आपके और मेरे हाथ में आने का चांस ही नहीं है कि लो में आता है। अगर हमको आया भी होगा तो 3 सवा 3 के आसपास का आया होगा, और 5 में बिका ही नहीं होगा, ये हमसे बिक गया होगा 4.5 में ही। 1 रुपया हमें मिल जाता है अगर 3 1/2 3 का लेके 4.5 में, तो वी आर मोर देन हैप्पी। एक रिटेल पार्टिसिपेंट को इससे ज्यादा क्या चाहिए? तो दिस इज हाउ आई कैन थिंक अबाउट डूइंग इट। तो अगर मुझे 5 रुपया का मूवमेंट चाहिए तो उसका डेल्टा कितना होगा? तो डेल्टा के हिसाब से सेम डे अगर वो मूवमेंट आता है तो कितना आएगा? तो रफली अगर मान लो मैंने 160 का लिया एट 152 के आसपास या 153 के आसपास, तो उसका डेल्टा अप्रोक्सीमेटली 0.2 या 0.3 आएगा। तो वो जो 0.3 भी अगर हम पकड़ते हैं, तो 5 रुपए का मूवमेंट का मतलब 1.5 रुपया होता है। और अगर मैं 1 रुपए में भी प्रॉफिट बुक करती हूँ,
सेम डे, क्योंकि थोड़ा सा थीटा टाइम वैल्यू माइनस कर रही हूँ। तो ये जो है मैंने ग्रीक्स का वीडियो भी रिलीज किया है, जो आप देखेंगे ना तो आपको ये आइडिया आ जाएगा कि ऑप्शन चेन के हिसाब से कैसे उसका मूवमेंट आएगा, ऑप्शन प्राइसिंग के हिसाब से कैसे उसका मूवमेंट आएगा। तो उस हिसाब से अगर हमने ऑप्शन बाय किया होता और अगर रुपया भी मिल जाता है तो अब यार हैप्पी। अच्छा, दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट, लॉन्ग वीकेंड है, ट्राई करिए कभी भी लॉन्ग वीकेंड पे प्लेन ओपन बाय या सेल घर ना लेके जाए। अगर करते हैं तो स्प्रेड्स में करके जाइए, बिकॉज मैंने बहुत बार बोला है, फिर से बोलती हूँ कि जैसे अभी लॉन्ग वीकेंड था, छुट्टियां थी, तो फिर मान लो आपने कॉल शॉर्ट कर दिया होगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल, और कल से जिसने भी गिफ्ट निफ्टी देखी 172 तक का हाई देख लिया। अब 172 पॉइंट्स अगर आप अब देख रहे हो तो आपका तो फेस्टिवल और हॉलिडे दोनों बेकार हो गए, आपकी तो हालत खराब हो गई। तो ये जो चीजें होती है जो होती है पोजीशन, तो हम लोग काफी सेफ रहते हैं। और अगर हम पोजीशन ना के बराबर लेके जाएं तो दैट विल बी मच मच बेटर, बट स्टिल इफ वी टेक अ हेज पोजीशन, इफ वी टेक अ हेज पोजीशन, स्टिल वी आर बेटर ऑफ। शांति से 2 दिन छुट्टी आराम से मनाने में जो मजा है, और दिस मंथ एंड नेक्स्ट मंथ वी विल हैव मोर ऑफ लॉन्ग वीकेंड्स। जैसे होली वाला वीक आ रहा है तो 23rd वर्किंग है, फिर 24 सॉरी 23rd से 24 25, फिर उसके बाद 29, ऐसे करके मतलब मंडे भी छुट्टी रहेगी, उसके बाद वेडनेसडे फ्राइडे भी छुट्टी रहेगी। तो हमारे पास इतनी छुट्टियां है ना, इस छुट्टियों को हमको समझना चाहिए। सबसे बड़ी बात, हमारा मार्केट वर्किंग है और ग्लोबल मार्केट्स आर रनिंग, वो सबसे ज्यादा रिस्की होता है। अगर सब बंद है तब तो चलो एक बार फिर भी हम थोड़ा सैटिस्फाइड है, लेकिन अगर बाकी सब वर्किंग है और रात को अगर हमको अलग से कुछ दिख जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वर्किंग दिन भर हम फिर फेस्टिवल के बजाय यही देखते रहते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो इस तरह से मैं कि ऑप्शन बाइंग का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज कर सकती हूँ। अब आते हैं हमारे डेली के रूटीन में। तो रूटीन में अब हम देखते हैं कि हमने क्या देखा। वापस से जैसे मैं इंडेक्स देखती हूँ तो ऑयल, ऑयल के हिसाब से पूरा ऑयल, अभी ऑयल में क्या दिख रहा है, ऑयल सेक्टर मेरा तो वही स्टार्टिंग होता है जो मैं दिखाती हूँ आपको हमेशा, कि मेरा स्टार्ट जो है सेक्टर वाइज होता है। और क्या दिख रहा है ये देखिए, और पूरा ये वाला एमएसीडी क्रॉसओवर के साथ में कितना बड़ा डाउन ट्रेंड में ले रहा है। इसको देख के हम वापस से यहाँ पे सेक्टोरल इंडाइसेस में जाएंगे, और सेक्टोरल इंडाइसेस में जाके हम ऑयल एंड गैस भी देखेंगे। तो ऑयल एंड गैस इंडेक्स, चलिए आज आपको एक चीज और इसका एक्सटेंशन दिखाती हूँ, मजा आएगा। यहाँ पर मुझे टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स मिले हैं। टॉप लूजर्स में कौन कौन है, रिलायंस है। ओके, अब एक और चीज आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे अगर मैं क्लिक करती हूँ, दिख रहा है इंडेक्स कंट्रीब्यूटर्स, क्लिक टू सी रिस्पेक्टिव वैल्यूज, इस एरो पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो मुझे ये लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप की स्क्रीन आ जाती है, जिसे हीट मैप भी बोलते हैं। दिख रहा है कि कौन कौन से शेयर्स आए हुए हैं। अब इसमें ये निफ्टी 50 के आ रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा फॉल अगर मैं देखूं तो रिलायंस की आ रही है। अब रिलायंस के अंदर मैं यहीं पे आती हूँ और ये स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए, ये स्ट्रक्चर के साथ में अगर मैं रिलायंस को देखती हूँ तो क्या सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं बन रहा है, प्राइस मेकिंग हायर हाइस, आरएसआई नॉट मेकिंग हायर हाइस। चलिए इसको क्या बोलेंगे हम,
इस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, वे प्राइस इज मेकिंग हायर हाइज एंड आरएसआई इज नॉट मेकिंग हायर हाइज बट इट इज मेकिंग लोअर हाइज, तो हम ऐसी सिचुएशन को क्या नाम देंगे? आर वी गेटिंग एनी रिप्लाइज? नो मैम, अभी तक तो आया नहीं है रिप्लाई। ठीक है, आ गया ना? यस मैम, नेगेटिव डाइवर्जेंस जस्ट आया है कलहन जी यस, से। तो नेगेटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है सबको? अच्छा, अब नेगेटिव डाइवर्जेंस तो खैर दिख ही रहा है, उसके साथ में क्या दिख रहा है माय फ्रेंड्स, ये बताइए मुझे। चलिए आपको प्राइस भी थोड़ा बड़ा करके दे देती हूँ, यहां से ये छोटा कर देते हैं एक बार टाइमिंग के लिए, इसको बंदी कर देते हैं जिससे आप अच्छे से देख सको। तो क्या दिख रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे जब मैं कर्सर रख रही हूँ 3005.95 का ओपन है और हाई विथ डाइवर्जेंस, यस मैम, ओपन एंड हाई सेम आने विद लगे, रेडी टू कॉल। डाइवर्जेंस। यस, मतलब आप लोगों को मेरे साथ साथ इतना तो रीड करना आ गया, राइट? चलिए अब हम आते हैं आगे। आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग खुद से रीड करके अगर इसको कर सकते हैं तो मुझे बहुत मजा आएगा कि यस आई एम डूइंग समथिंग, इसमें से कोई तो सीख रहा है। प्लस सेम स्ट्रक्चर ऑफ एमएसीडी, प्लस सेम स्ट्रक्चर ऑफ एमएसीडी, यस। तो मेरे पास तीन जगह से तो कंफर्मेशन आ गई, प्लस शॉर्ट बिल्डअप की कंफर्मेशन आ गई, अब मुझे ऑप्शन चेन की भी कंफर्मेशन की जरूरत है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है? कम ऑन, लेट मी सी इफ यू ऑल कैन फाइंड आउट कि इसका हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है। अगर ये भी आपने साथ में कंबाइन करके मेरे साथ साथ इसमें पार्टिसिपेट, सॉरी, इसमें पार्टिसिपेट किया तो आपको मजा आएगा। आपकी देखने की स्पीड बढ़ जाएगी। चलिए बताइए हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट, बिकॉज रेजिस्टेंस मिल रहा है मुझे, रेजिस्टेंस ही मुझे देखना है और हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेजिस्टेंस का ही काम करती है। कम ऑन कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। उससे क्या है कि आप लोगों को भी देखने की आदत पड़ जाएगी कि हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट कहां पर है। मैम 3000, 2700, 3100। 3000 किसी ने बोला? यस यस मैम, यस, अमरीश जी ने लिखा है 3000। तो उनको थैंक यू बोल दो मेरी तरफ से। थैंक यस मैम, क्या बोलते हो माय फ्रेंड? 6868 6868 6868 इज हाई, और उसके पहले क्या है? 10152, और उसके पहले क्या है? 18992, 18992 कहाँ पे है? 3000 पे। यस, सो नाउ डू यू थिंक कि आपको किसी की जरूरत है ये चीज समझने के लिए? आप खुद से भी ट्राई कीजिए, नहीं है तो मैं हूं, लेकिन ट्राई करने में क्या बुरा है? अगर नहीं है, नहीं होता है तो मैं हूं ना। बट देखो, मैंने आपको अपने आप से ही सारी चीजें ढूंढनी सिखाई है। अब इसके बाद रिलायंस में अगर आप देखो तो हर 100 200 300 पॉइंट के पास में ही आपको हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट मिलेगा, राइट? तो क्या 2900 पे है बिल्ट अप? यस, 2900 पे है। फिर लेट्स सी, ट्वेंटी नाइन हंड्रेड के बाद 2800 पे है, 2700 पे थोड़ा है। तो इस तरह से अगर आपको ये मालूम हो जाए सुबह ही कि रिलायंस में 3800 पे मुझे रेजिस्टेंस मिल सकता है, तो क्या मैं यहाँ पर 250 का लॉट है, 11 रुपया बढ़ा है,
मैं बोलती हूँ 11 छोड़ दो, अगर 18 रुपए के आसपास, 18 भी छोड़ दो, अगर आपको 20 रुपए के आसपास भी मिलता है या उससे भी कम का कर लो, ये भी 10 रुपए 12-13 रुपए के आसपास मिलता है, और इसमें भी अगर आप 2,500-3,000 रुपए लगा के, मेरा कहना है कि अगर 1,500 रुपए भी कमाते हो एक लॉट के पीछे, ट्राई करना बुरा नहीं है। 500 का रिस्क और 1,000 की प्रॉफिट, रिस्क रिवॉर्ड वैसे ही रखना, क्योंकि मैंने डेल्टा के हिसाब से वही मैंने कहा ऑप्शन ग्रीक्स देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इसी तरह से मैं भी ट्रेड करती हूँ, और अगर मैं ये नहीं कर सकती, डायरेक्टली कॉल नहीं बाई करना है, तो मैं स्प्रेड भी बना सकती हूँ, बट घर नहीं लेके जाऊंगी बिकॉज ऑफ लॉन्ग वीकेंड। और एक और चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, अगर मैं यहां से लेती हूँ तो यस, इसीलिए भी एक कारण था कि मैं इसे घर नहीं लेके जाना चाहती थी। गॉट इट? देखिए ऐसा है कि चार्ट्स कंबाइंड विथ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, मतलब डेटा रीडिंग प्लस चार्ट रीडिंग इज अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन, एंड यू कैन अर्न कंसिस्टेंटली, आराम से कमाइए, रेगुलर कमाइए, थोड़ा थोड़ा कमाइए, धीरे धीरे सीखते जाइए, कमाते जाइए। तो अगर ये ब्रेक हुआ, बिकॉज दिस इज अ राइजिंग टाइप ऑफ चैनल, अगर ये ब्रेक हुआ, नाउ लिसन, अब हम आते हैं दूसरा, आपको एक पॉइंट सिखा देती हूँ साथ साथ में, कि अगर ये ब्रेक हुआ तो यहां से मैं प्राइस रेंज लेती हूँ, और इक्वी डिस्टेंस चैनल है करके मैं ये यहाँ पे बनाती हूँ, और इसी को मैं यहाँ लेके आऊंगी। तो जब ये ब्रेक करेगा, जब ये ब्रेक करेगा, तब मैं शॉर्ट फिर से करूंगी विद दिस एज अ स्टॉप लॉस, विदाउट स्टॉप लॉस आई विल नॉट ट्रेड। और अगर मैं स्विंग के हिसाब से भी देखूं तो दिस विल बी माय लो, एक ये और एक ये, जहां से ये चैनल्स जैसा स्टार्ट हुआ है। तो ये दोनों चीजें वहीं पे, ये आके वहीं पे अटकती है, और ये भी वहीं पे अटकता है। उस हिसाब से अगर मैं कहूँ कि चलो ये ट्राई किया जाए, तो उस टाइम पे अगर ये ट्राई करते, अच्छा हाँ एक काम और कर सकते थे कि मान लो जैसे आपने बेयर एक पुट खरीद लिया और होल्ड कर रहे हो, आते टाइम उसको स्प्रेड बनाया, तो मतलब आपका कॉस्ट जो है वो नॉमिनल जैसा हो जाता है। नहीं समझे? चलो समझा देते हैं। वर्किंग करके आपको समझाते हैं, चलिए। लेट्स से हमने ये सब देख लिया और हमने 2,900 का पुट बाय किया, और ये अगर आप देखें तो कल से 12 रुपया ऊपर है, मतलब कल इसका रेट 17 था। मैं तो बोलती हूँ 17 नहीं, आपको 20 में हाथ आया। ओके, अब ये 20 में हाथ आया, और आप जाते जाते या घर आते आते ये वाला पुट अगर बेच के आते 10 रुपीज में आते आते, तो आपका रिस्क अभी कितना हो गया? 10 रुपया। यहाँ पे जब आपने लिया था तब आपका आपका स्टॉप लॉस क्या बनाया था? 10 रुपया। लेट अस से आपने 10 रुपया बनाया होगा या 5 रुपया बनाया होगा, जो भी आपका स्टॉप लॉस था, तो अभी आपका आधा रिस्क कवर हो गया। अच्छा चलो आप ये भी छोड़ दो, ये मत करो, आप ये वाला तो बेच सकते हो, तो आपका रिस्क जो है वो करीब करीब पूरा कवर हो गया। अब यू कैन स्टिल वेट फॉर मंडे, बिकॉज अगर ये अगेंस्ट में गया भी, या मान लो जीरो भी हो गया, तो आपको रिस्क नहीं है, प्रॉफिट जो आने वाला था वो रह जाएगा, बट रिस्क जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से भी मैं बुल कॉल ये बेयर पुट स्प्रेड बना सकती हूँ, और दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल वे ऑफ मेकिंग ऑल दीज थिंग्स। तो ये सब जो है ना, हम लोग जो खाली एक प्लेन कॉल बाय कर लिया, प्लेन पुट बाय कर लिया, कॉल शॉर्ट कर दिया, पुट शॉर्ट कर दिया,
ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, स्ट्रैटेजीज बनाने में मार्जिन लगती है जरूर, मैं इसको इग्नोर नहीं करूंगी, लेकिन वो मार्जिन रिफंडेबल है क्योंकि आपकी रिस्क जो है और भी कंट्रोल में आ जाती है। और एक जो मैंने देखा है, और आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने स्ट्रैटेजी बनाई है तो कटिंग के टाइम पे पूरी स्ट्रैटेजी काटिए, ऐसा नहीं कि जिसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है वो काट लो और जिसमें लॉस हो रहा है उसको रख लो। अगर काटो तो पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी स्क्वेयर ऑफ करनी चाहिए। आई होप कि आज आपको मैंने जो ये स्ट्रैटेजी सिखाई है अलोंग विद डेटा रीडिंग एंड चार्ट, आपको पसंद आई होगी। यस और नो? यस और नो माय फ्रेंड्स, कुछ सीखने मिला आज? मैम सबका कमेंट आ रहा है। यस गुड, ओके, सो वी हैव एनी क्वेश्चंस फॉर टुडे? यस मैम, कनिका जी हैं जिनने लिखा है कि मैम SGVN पे मंथली चार्ट फेब रिट्रेसमेंट 50% क्लोज्ड एट 38.20, इट विल गो अप, वो पूछ रहे हैं। ये मंथली चार्ट, ओके, वन थिंग आई कैन टेल यू कनिका जी, मंथली RSI इज अबाउट 50 फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम बैक। इवन प्राइस MACD इज आल्सो अबाउट 50, एंड वीकली में इसने करेक्शन लिया है, राइट? वीकली में जो करेक्शन लिया है और उसके साथ में हम डेली में, तो जब तक मंथली 70 के ऊपर है हम ये सोच सकते हैं कि ये ऊपर जाएगा। नाउ आई विल प्रिफर कि यहाँ पे ये एक ब्रेकआउट दे, ये एक ब्रेकआउट दे, और साथ में अगर ये बुलिश में बुलिश, बिकॉज इट इज अबाउट 0 लेवल, तो बुलिश में बुलिश क्रॉसओवर दे दे तो आई विल बी मोर हैप्पी टू टेक द ट्रेड। अदरवाइज आई विल वेट टिल इट गिव्स मी ऑल दीज पैरामीटर्स इन माई फेवर। अच्छा एक बात और बताती हूँ, क्योंकि बहुत लोग ऐसा कहते हैं मुझे कि जैसे अभी मैं रिलायंस की बात कर रही हूँ, चलिए वापस आपको रिलायंस पे लेके आती हूँ, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने सुना भी है और कमेंट बॉक्स में भी आता है। मैं कहती हूँ कि 9:30 तक देखो और उसके बाद में, तो लोगों का ये कहना होता है कि कैंडल जो है वो तो 3:30 बजे खत्म होगी, तब पता चलेगा कि ओपन हाई था कि नहीं था। तो माय फ्रेंड्स, कैंडल का कंस्ट्रक्शन तो पहली टिक से ही शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी हम उसे 15 मिनट का टाइम देते हैं डेली कैंडल में। डेली टाइम फ्रेम में ही देखती हूँ, और डेली कैंडल को हम 15 मिनट का टाइम देते हैं कि वो थोड़ा सस्टेन हो जाए। अब 9:30 10 तक अगर वो सस्टेन हो गया और बहुत बड़ा फॉल नहीं आया, तो ओपन हाई के थोड़ा सा ऊपर, मतलब 0.5% 1% के ऊपर तक का स्टॉप लॉस लगा के क्या हम ट्रेड नहीं ले सकते? अगर मैं ये कहूं कि इसमें मेरी स्ट्राइक रेट 60% ही है, 100% नहीं है, तो 40% को संभालने के लिए स्टॉप लॉस है, लेकिन 60% में से अगर दो भी जैकपॉट जैसा निकल गया तो हमारा काम तो हो गया ना। हमको कौन सा एक ही दिन में करोड़ों कमाने हैं, हमको तो उतना कमाना है कि अपना काम आराम से चल जाए, हमारी जिंदगी आराम से चल जाए, हम मार्केट में हमेशा के लिए रहें, जाएंगे कहाँ मार्केट छोड़ के। तो इसलिए कैंडल कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है 9:30 बजे, मुझे उसके लिए 3:30 तक वेट करूंगी, तो फिर ट्रेड कब लूंगी? रोज का रोज हो जाएगा वो। तो दिस इज व्हाट आई कैन आंसर फॉर ऑल द कमेंट्स व्हिच आई हैव रिसीव्ड, कि मार्केट बंद होने के बाद पता चलता है कि वो ओपन हाई है। जी नहीं, वो 9:30 के आसपास पता, आप 9:30 के आसपास से कंटिन्यू उसे देख सकते हैं, राइट?
सो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू टेल. यस, डू वी हैव अनदर यस क्वेश्चन? मैम, यस मैम। मूवी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं सब व्यूअर्स को ये बोलूंगा कि एक बार इस लाइव को लाइक कर दीजिए। मैं मैम को बहुत परेशान करता हूँ हर बार लाइव पे लाने के लिए, तो मैम के एफर्ट और मेरे एफर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये मुझे हमेशा फ्राइडे परेशान करते हैं कि लाइव मार्केट का करने के बाद तुरंत मार्केट के बाद, और मैं इनको लेके आती हूँ बड़ी मुश्किल से सैटरडे पे या छुट्टी के दिन पे लाती हूँ. ये चाहते हैं कि मार्केट खत्म होते ही मैं इनका ले लूँ. यस मैम, बिल्कुल मैम। अभिजीत जी हैं जिनका एक क्वेश्चन है कि मैम मॉर्निंग में लॉन्ग बिल्डअप होता है स्टॉक में, बट फिर ड्यूरिंग द डे ही वो चेंज हो जाता है शॉर्ट बिल्डअप में, राइट इन right. आप कौन हाँ, सा आप? होता है ऐसा, बिल्कुल होता है ऐसा. लेकिन क्या आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया? अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो फॉरगेट इट. अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है तो आपने जिस बेस पे ट्रेड लिया है उसे कंटिन्यू कर सकते हैं. ओके मैम, डोंट फाइट विद द स्टॉक अगेन एंड अगेन. ओके मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैम एक बैंक निफ्टी पे व्यू चाहिए मंडे के लिए। देखिए, ऐसा मंडे के दिन का व्यू तो मैं कोशिश कर सकती हूँ. बैंक निफ्टी का बोलना तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बिकॉज आप खुद बताइए, क्या बताना इजी है मेरे लिए जो कंडीशन है? क्योंकि मैं जानती हूँ जो लोग मुझसे ये पूछना चाहते हैं उनका एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं ये कहूँ कि मार्केट उस दिन तेज खुलेगा. या क्या बोलते हो फ्रेंड्स, क्या लगता है? वो तो मैम उनके पोजीशन के हिसाब से ही उनको वो आंसर वही ना, सुनना वो रहेगा। पोजीशन के हिसाब से पूछते हैं. अभी मैं उनसे पूछती हूँ कि अभी आप बताओ आपको क्या लगता है. अच्छा चलो, वही नहीं, चलो मैं और भी आपको देती हूँ. से ऐसा एक बात बोलती हूँ मैं आपको, माय फ्रेंड्स, नाउ से यस, नाउ से. तो फ्रेंड्स, ऐसा है जैसे भी मैं आपसे पूछ आप मुझसे पूछते हो, मैं पूछने किससे जाऊं तो मुझे मार्केट से ही पूछना पड़ेगा. अंडरस्टूड? यस मैम, और एक मैम दिखा अब देती हूँ, चलिए एक और दिखाते हैं. चलिए लेट अस ट्राई वन मोर. क्या ये टॉप है? ये टॉप है राइट. अब मुझे बताओ क्या हुआ है बैंक निफ्टी का? चलो बताओ, कौन बताएगा क्या हुआ है? चलिए इसी को देख के बताइए क्या हुआ है. क्या लगता नहीं मैम है कि दोनों के बीच में फंस गया है? आइदर साइड जब तक ये ब्रेक नहीं करे तब तक हम इसको ट्रेड कर पाएंगे? या ब्रेकआउट आ रहा है सबका मैसेज, पूनम जी का ब्रेकआउट आ आ रहा रहा है। है और यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है? वो आप अपने साइड से मत देखिए. देखिए, हम जब चार्ट देखते हैं ना तो क्या होता है माय फ्रेंड्स, हम चार्ट को उस तरीके से देखते हैं जैसा हम देखना चाहते हैं. चार्ट को उस तरीके से देखिए, डेटा को उस तरीके से देखिए जिस तरीके से वो दिखाना चाहता है, नॉट जिस तरह से हम देखना चाहते हैं. आपको ब्रेकआउट तो दिख गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है यस मैम, या? काफी सारे व्यूअर्स का ये भी आ रहा है कि फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है और मार्केट में सेलर बढ़ रहे हैं। हाँ, तो ऐसी सिचुएशन में आराम से बैठिए ना, देखिए. देखो ऐसा है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है, मैं सच बताती हूँ, कि अगर मेरी पोजीशन इसमें होती है तो मार्केट मेरे मजे लेता है ऐसे पोजीशन में, ऐसे जोन में. और अगर मैं पोजीशन में नहीं होती हूँ तो मैं मार्केट के मजे लेती हूँ, बट ये वाली पोजीशन में, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है. जबरदस्ती का ट्रेड ढूंढना अलग बात है, ये डेली बेसिस पे है. और जो लोग इंट्राडे करते हैं उसमें से कुछ मिल जाए तो बात अलग है. यस मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरेश जी का है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा का 1960 का स्ट्राइक कॉल ऑप्शन बाय किया था एट 61, बट इट इज नाउ एट 28, विल इट गो अप अब मुझे बताइए, नो स्टॉप लॉस? एक मिनट, यस. सबसे पहले मुझे ये बताइए
ये मेरा टॉप का पॉइंट है। देखिए आरएसआई में जब मैं डाइवर्जेंस देखती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, पहला पॉइंट जो होगा वो 70 के ऊपर होना चाहिए और दूसरा पॉइंट 70 के नीचे होना चाहिए, राइट? तो क्या ये डाइवर्जेंस है? और प्राइस जो है, प्राइस हायर हाई बनाना चाहिए। यहां से यहां प्राइस ने हायर हाई बनाया, बट क्या आरएसआई ने बनाया? और आरएसआई 70 के नीचे आ गया। दूसरा पॉइंट देखिए, मैं आपको बता रही हूं कि ये हो गया नेगेटिव क्रॉसओवर, ये बुलिश बेरिश में बेरिश नहीं है लेकिन, बट ये नेगेटिव क्रॉसओवर है। और ये आपको क्या मिला? ओपन हाई मिला। यस माय फ्रेंड। अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि क्या जब हम ट्रेड ले रहे हैं तो हम ब्लाइंडली ट्रेड लेने के बजाय इस तरह से थोड़ा सा देख के ले तो विल इट नॉट बी हेल्पफुल फॉर अस? सी, जब हम ट्रेड ले लेते हैं, एक चीज जो मैंने नोटिस की है और मैं अपने एक्सपीरियंस से भी कहती हूँ कि अगर हम ले लेते हैं ट्रेड और ट्रेड अगेंस्ट में चला जाता है तो हमारी एक ही कोशिश रहती है हम कैसे तो भी करके कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाए, प्रॉफिट का वो टाइम लालच नहीं होता। तो इसलिए अगर हम वो चीज सोच समझ के ये एटलीस्ट ये वाले पॉइंट्स देख के ले लें तो कम से कम हम बाय तो नहीं करेंगे। अगर हम पुट बाय नहीं कर सकते कोई बात नहीं, एटलीस्ट कॉल तो बाय नहीं करेंगे। तो और साथ में अब आते हैं हम M&M के ऑप्शन चेन पे। माय फ्रेंड, 2000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है और साथ में 1900 पे भी है। ये सब लेवल्स पे आपको ओपन इंटरेस्ट भर भर के मिल रहा है, मतलब ऑल दीज प्लेसेस आर सेइंग दैट वी आर स्टैंडिंग एट रेजिस्टेंस, राइट? ऑल दीज पॉइंट्स आर सेइंग वी आर स्टैंडिंग एट रेजिस्टेंस। इतने सारे रेजिस्टेंस हैं और प्लस चार्ट इज ऑल्सो टेलिंग भी, देखो कितने रेजिस्टेंस है, एक दो तीन, चार्ट भी मुझे कई वैरायटी के रेजिस्टेंस दिखा रहा है, इज इट राइट? अब ऐसी सिचुएशन में व्हाट शुड आई डू? इफ आई कांट बाय अ पुट, नो प्रॉब्लम, आई शुडंट हैव टेकन अ कॉल। अब ये वापस ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा ये डिपेंड करता है कि मंडे को ये कैसे खुलता है, वापस से लॉन्ग बिल्डअप। अब इसके अंदर हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट देखते हैं कहाँ पे है, तो इसका हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट 1800 पे भी है और 1900 पे भी है। तो लेट अस सी, अगर 1800 1900 के अभी 1900 पे ही है हम, और अगर कल मुझे यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप मिल जाए विथ ओपन लो और ये सारे इंडिकेटर्स भी साथ में पॉजिटिव, सब चीज पॉजिटिव देना शुरू कर दे, तो देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी इट कैन गो अप। दैट इज व्हाट आई विल बी सीइंग ऑन मंडे। और नहीं तो आप इसको स्प्रेड में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिल जाएगा, बट दिस इज व्हाट यू शुड सी एटलीस्ट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मैम. मैम जितेंद्र सोनी जी का क्वेश्चन है कि मैम इंट्राडे में अधिकतर बार ऐसा होता है कि आरएसआई 5 मिनट पे देखते हैं तो 70 पे दिखता है और 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे 40 दिखता है. तो कौन से वाले पे को देखकर हम ट्रेड लें? देखिए अभी ऐसा है, 5 मिनट के आरएसआई को मैं ज्यादा वैल्यू इसलिए नहीं देती हूँ, वो उसका एक अलग ही स्टाइल है, अलग ही ट्रेड है। लेकिन ऐसे अगर आप 5 मिनट और 15 मिनट को और 1 घंटे को कंबाइन करोगे तो भाई ऐसा है, मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ कि जब अचानक से आप कोई बात सुनते हो तो आपका हार्ट बीट बहुत फास्ट चलता है। अचानक से आप कोई भी न्यूज सुनते हो या कुछ भी ऐसा सुनते हो, कुछ भी ऐसा देखते हो तो हार्ट बीट बहुत फास्ट चलता है, वो थोड़ी देर के अंदर ही नॉर्मल हो जाता है और होने लग जाता है। तो ये जो 5 मिनट की आरएसआई है ना, इसका बिहेवियर भी ऐसा ही है, अचानक से ये ऊपर नीचे हो जाएगा बिकॉज इसमें बहुत फास्ट जो है मूवमेंट आती है। अचानक से कोई बड़ी क्वांटिटी या मान लो किसी ने 1000 लॉट भी बेच दिया एक साथ में तो भी ऐसा वो उसमें आ जाएगा। दिस इज वॉट वी कैन
से इट इन फॉर 5 मिनट्स, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। तो 5 मिनट्स की आरएसआई, वो भी बैंक निफ्टी को, वो इस तरह से नहीं देखती, उसका मेरा देखने का स्टाइल अलग है। मैं उसके ऊपर एक दिन सेशन लूंगी आप लोगों का, तब देखेंगे। किसी दिन लाइव, मतलब ये ट्यूसडे को लाइव करेंगे ना सेशन। लाइव मैं जब भी लाइव कहती हूँ, दैट डजंट मीन लाइव मार्केट, दैट मीन्स ऐसा जो सेशन हुआ है लाइव, वो वाला लाइव सेशन। लाइव मार्केट में मैं सेशन नहीं कर सकती। यस यस मैम। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है आशीष जी का कि ऑप्शन माइंग के लिए ट्रेंड चाहिए, वो कैसे आइडेंटिफाई करे और नेक्स्ट डे के लिए ट्रेंडिंग स्टॉक कैसे निकाले। मैंने यही ट्रेंड कैसे फाइंड करे अभी यही तो सब बताया सर आपको। और नेक्स्ट डे के लिए, अभी मान लो आप यहाँ पे हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल 1900 महिंद्रा एंड महिंद्रा, अब ये यहाँ पे सपोर्ट भी दे रहा है, लेट अस से फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे सपोर्ट दे रहा है। अब सपोर्ट के पास में जो जो स्टॉक है, और यहाँ पर से भी अगर चार्टिकली मुझे सपोर्ट मिल रहा है प्लस ऑप्शन चेन से सपोर्ट मिल रहा है, तो वो सारे स्टॉक्स को मैं अपने काउंटर पे भी रख सकती हूँ। और नहीं तो मैं नेक्स्ट डे के लिए ये भी देख सकती हूँ कि कौन से ग्रीन में है, कौन से रेड में है। इस तरह से भी मैं ट्रेंडिंग स्टॉक निकाल सकती हूँ। गॉट इट? यस यस मैम, नेक्स्ट। यस मैम। मैम कलहन जी हैं तो उन्होंने ये पूछा है कि और उन्होंने एक्चुअली अभी आपके मेंटरशिप प्रोग्राम में भी एनरोल किया है ऑप्शंस के, तो उनका एक सवाल है कि मैम नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू सिलेक्ट डाइवर्जेंस स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। अभी तो आपका बताया एक्सपीरियंस मैंने, तो वही आई गेस शायद उन्होंने उनका। ध्यान नहीं दिया होगा। मैंने एक्चुअली बता भी दिया था कि पहला पॉइंट जो होगा वो 70 के ऊपर होगा, दूसरा पॉइंट 70 के नीचे होगा, और प्राइस विल बी मेकिंग हायर हाई। ओके यस मैम, ठीक है डन। तो नेक्स्ट डाउट की तरफ बढ़ते हैं। मैम निफ्टी पे थोड़ा सा व्यू बता सकते हैं क्योंकि, और अगर अभी वो भी टॉप की तरफ ही बढ़ रहा है जैसा आपने हाँ, बताया। मेरा निफ्टी पे अभी फुल्ली व्यू क्लियर इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो वो टॉप की तरफ बढ़ भी रहा है और ऑल टाइम हाई पे भी है, और लेट्स सी कल गैप अप ओपन हाई ना बना दे, क्योंकि अगर आप देखो तो प्राइस कंटिन्यू हायर हाई बना रहे हैं। आरएसआई जो है यहाँ पे 70 के ऊपर है, यहाँ भी 70 के थोड़ा ऊपर है, लेकिन अभी सब 70 के नीचे है। एमएसईडी बिल्कुल फ्लैट बिहेव कर रहा है, क्या कहूं ऐसी हालत में। यस नेक्स्ट क्वेश्चन वी यस हैव। मैम, योर व्यू ऑन टाटा केमिकल। हाँ, मैम योर व्यू ऑन टाटा केमिकल। टाटा केमिकल के स्टॉक्स को अगर मान लो ये शेयर्स को नहीं देखे तो ठीक रहेगा, बिकॉज यस्टरडे इट वाज टोटली बेस्ड ऑन न्यूज ड्रिवन और इतना चल चुका है। आई डोंट वांट टू गिव एनी व्यू ऑन टाटा केमिकल राइट नाउ, बिकॉज इट ओके इज मैम, मोर, देन इट हैज कम आउट विद अ मोर ऑफ फंडामेंटल वैल्यूएशन। यस। इनफैक्ट ये सारे टाटा ग्रुप के शेयर्स पे ये इफेक्ट देखने को मिल रहा है हमें। हाँ, तो इसलिए मैं इस पे कोई व्यू नहीं देना चाहूंगी। ओके मैम। मैम नेक्स्ट स्टॉक है यूपीएल। यूपीएल का एक तो ये हुआ है कि इस महीने वो निफ्टी से बाहर हो गए हैं। अब इसमें थोड़ी सी बाइंग आई है, दिख रही है, लेकिन रेजिस्टेंस बहुत दिख रहे हैं इसमें। पहला रेजिस्टेंस देखिए, ऐसे बना सकते हैं आप रेजिस्टेंस, राइट? कैन यू मेक दिस टाइप ऑफ रेजिस्टेंस एंड सी हाउ द रेजिस्टेंस आर प्लेस्ड। तो इस तरह से मुझे कहीं भी अभी इसमें कोई ब्रेकआउट जैसा मिल नहीं रहा है अगर देखूं तो। गॉट इट? मंथली में भी अगर मैं देखूं तो आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग गुड, सब डाउन है। वीकली में भी आरएसआई अभी 30 के ऊपर आया है हल्का सा, बट एमएसईडी अभी तक बेरिश में बेरिश है। वीकली में इट्स नॉट गुड। यस
नेक्स्ट टॉक इज अरविंद, अरविंद, महावीर जाधव जी का क्वेश्चन है कि अरविंद इज गोइंग डाउन एंड कुछ रिकवरी का चांस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखिए वीकली स्टिल अब इज इन नॉट इन अ नेगेटिव जोन, खाली एक नेगेटिव क्रॉसओवर लिया है। मंथली स्टिल बुलिश बिकॉज आरएसआई इज अबाउट 70, बट इसकी रिकवरी के लिए देखते हैं, यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन बना के रखते हैं और तो क्या करें। अगर इसके ये बना के रख सकते हैं और तो फॉर अ हेल्प फॉर अ लेमैन ऑल्सो कि कैसे बनाए, तो ये सब बना के रख सकते हैं। वहीं से मतलब जहां से घूमे विथ, हालांकि इसने कल ओपन लो दिया था परसों, और अगर ये चल जाए तो अच्छी बात है, बट अभी तक बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है। लेट अस सी। ओके मैम, मैम ऑल्सो अभी क्वेश्चन है कि मिड कैप में और स्मॉल कैप में रिसेंटली काफी सेल ऑफ देखा गया था इस वीक में, कि बीच में देखिए एक जो सडन आया था, तो उस पे कुछ व्यू है मिड कैप पे आपका? सेलिंग तो आई है ना, बिकॉज तभी तो मार्केट बढ़ नहीं रहा है, अटक रहा है थोड़ा। और मैंने पहले ही कहा था कि ऑल द इंडाइसेस आर एट ऑल टाइम हाई, वी आर इन अ रिस्की जोन, तो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा काम करो। यस मैम, नहीं तो क्या है कि अभी इंडाइसेस ऊपर आ गए, पोर्टफोलियो ऊपर आए क्या? यस मैम, यू आर फिर राइट। मुझे यही सुनना पड़ेगा, मार्केट तो ऊपर हो गए, मेरे ही स्टॉक्स ऊपर नहीं हुए। सही बात है मैम, ये तो सबका कंप्लेन रहता है। हाँ तो फिर क्या कहे। मैम अमन शर्मा जी पूछ रहे कि श्री सीमेंट पे आपका क्या व्यू है? ये लो लिक्विड क्वांट काउंटर है, नहीं भाई नॉट इन अ पोजिशन टू टेल। बाय का तो मैं नहीं बोलूंगी, अभी नहीं समझ रहा है मुझे, सब वीक ही लग रहा है काउंटर। अनलेस एंड अंटिल अगर मंडे को ही कोई रिवाइवल आ जाए तो बात अलग है, अभी तक तो वीक लग रहा है। मैम गार्गी सिंह जी का है कि आईटीसी एंड टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स छोड़ देते हैं बिकॉज वो न्यूज ड्रिवन है, आईटीसी पे व्यू चाहिए। क्या बोलते हैं, आईटीसी पे व्यू चाहिए? यस वी आर एट सपोर्ट। ओके नाउ ये भी एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी बना सकती हूँ, पॉजिटिव क्रॉसओवर भी दे सकती हूँ, राइट? लेट्स सी द ऑप्शन चेन। हाईएस्ट पुट इज अराउंड 410 एंड 400, 400 पे हाईएस्ट है, और कॉल भी जो है हाईएस्ट सब इसी लेवल के आसपास है। तो मतलब अभी तक रेंज बाउंड दिख रहा है, अनलेस एंड अंटिल आई स्टार्ट सीइंग अनवाइंडिंग। और आईटीसी ने अभी सपोर्ट लिया है, सबसे बड़ी बात है अगर आईटीसी यहाँ से ब्रेक करे तब मैं इसको कुछ कहूंगी। क्या कहते हो? लेट इट ब्रेक देन वी विल थिंक, नॉट यस नाउ। हाँ अगर ये इस लाइन के ऊपर कल खुल गया विथ ओपन लो एंड ऑल, देन देर इज देन वी कैन अगेन विथ अ स्मॉल स्टॉप लॉस वी कैन टेक अ ट्रेड बाय। बट गैप अप इस ट्रेंड लाइन के ऊपर खुले तो अच्छा रहेगा विथ ओपन लो। यस ऑल्सो बहुत सारे व्यूअर्स जो अभी पहले थोड़ी देर पहले कमेंट्स में पूछ रहे थे कि हमें भी मैम का मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है या कैसे करें,
तो और या वो डिफरेंट कैसे है, उसमें ऐसा क्या अलग है, तो उसकी डिफरेंट सारी तो डिटेल्स देखिए हमें। ऐसा है कि एक तो वो स्ट्रक्चर्ड वे में है, दूसरा क्या है कि जब आप मार्केट में काम करोगे आपको कुछ डाउट्स आएंगे कि आपने क्या ऐसा क्या है, क्या देखा है क्या नहीं, तो वो डाउट्स भी तो क्लियर करने, अभी आपको यहाँ पे मैंने बता दिया, अब आपको डाउट्स भी कुछ आ रहा है क्लियर करना है तो आप कैसे क्लियर करोगे, तो वहां पे मैं डाउट्स क्लियर करने के लिए महीने 2 महीने 3 महीने आपके साथ में रहूंगी ना आपके डाउट्स क्लियर करने को। तो जिन लोग को भी मैम का मेंटोरशिप, लाइव मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में भी है, तो आप जाके एक बार वो सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। एंड मैम, आई गेस आज के लिए हमने काफ़ी सारे डाउट्स और सब क्वेरीज अटेंड कर लिए, तो हम ट्यूसडे को मिलने का ट्राई करेंगे या फिर नेक्स्ट जब भी पॉसिबल हो पाएगा आपका। और फ्रेंड्स अगर आपको मतलब वैसे भी मैं वीडियोस तो बनाते रहती हूँ, आपको जो भी टॉपिक चाहिए कमेंट्स में डालिए, मैं बनाती हूँ और जो बने हुए हैं उन्हें देखिए, और उसके साथ में आप जिस वीडियोस को सबसे ज्यादा लाइक करेंगे मैं उसी का एडवांस वर्जन लेके आऊंगी, ये मेरी प्रॉमिस है आप लोगों को। बट आप लोग को क्या चाहिए वो आप लोग को बताना पड़ेगा, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा आप लोग को क्या चाहिए, राइट? तो आप लोग को किस टॉपिक पे नॉलेज चाहिए और किस टॉपिक पे एडवांस नॉलेज चाहिए, उस वीडियो को आप ज्यादा अगर लाइक करेंगे और उसके नीचे लिखेंगे कि मुझे इसका एडवांस लेवल चाहिए, जैसे अभी मैंने ग्रीक्स में निकाला तो ग्रीक्स का मैंने एक बेसिक लेवल निकाला है वीडियो, अगर उसमें आपको एडवांस लेवल चाहिए तो मुझे बताइए कि आपको उसमें चाहिए, मुझे दिखना चाहिए आपका उसमें एंथुजियाज्म कि आपको नॉलेज की भूख है तो मैं आपको दूंगी। यू यस शुड श्योरली मैम, मैं थैंक नॉलेज यू। मैं चाहती हूं कि आप लोग सीखो, लेकिन आपको भी मुझे बताना पड़ेगा कि आपको क्या क्या सीखना है, एंड आई एम रेडी टू टीच यू, दैट्स श्योर ऑल आई मैम, कैन टेल यू। यस यस मैम, थैंक यू सो मच मैम ये लाइव सेशन करने के लिए। एंड जिनको भी चाहिए कि मैम ऐसे लाइव सेशन करते रहे, तो स्ट्रीम को, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड आपको कौन से चीज़ों पर वीडियो है या कौन सा कॉन्सेप्ट समझना है, तो वो कमेंट कर दीजिएगा मैम, कमेंट्स भी पढ़ते हैं और देखते हैं, उस हिसाब से हम आपके क्वेरी सॉल्व करने का हमेशा ट्राई करते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो बिल्कुल, मच। मैं सारे कमेंट्स इसलिए पढ़ती हूँ क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ किस किस को क्या सीखना है, क्या टॉपिक देखना है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो बना सकूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंजॉय योर वीकेंड, थैंक यू। थैंक यू मैम, यू टू मैम।